अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ये पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। प्रीवियस क्लास में हम लोग मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़े थे। मोनोसेक्राइड में हमने सभी ट्रायो 3 कार्बन टू 7 कार्बन तक ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और 3 कार्बन में ट्रायोज, इरिथ्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टलोज, ये सब मोनोसेक्राइड में आते हैं। उस पर हम लोग हेक्सोज में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और पेंटोज में राइबोज के बारे में, स्ट्रक्चर का उसका ओपन स्ट्रक्चर और उसका रिंग फॉर्म में हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे ये मोनोसेक्राइड है, इसमें 10 to many मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं, ग्लाइकोजन स्टार्च। ग्लाइकोजन आपने समझाना, ग्लूकोजन जो होता है जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन किस में रहेगा, एनिमल्स में। स्टार्च किस में रहेंगे, आपके प्लांट्स में रहेंगे। और इसमें अल्फा ग्लूकोज रेसिड्यू रहेगा, अल्फा माने ग्लूकोज जो होते हैं, ये अल्फा ग्लूकोज रेसिड्यू रहेगा। और दूसरा है एंटीबॉडी सेल्स जो होते हैं स्टोर, क्या क्या करता है, पॉलीसेक्राइड स्टोर करता है। और ये स्टोर करके रखता है क्योंकि ये क्या करता है, ये इट कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टोर रहता है। जैसे मान लीजिए तो ये क्या करता है, जैसे तो जैसे ये तो अब यहाँ है कि पॉलीसेक्राइड में जो होते हैं आपके, पॉलीसेक्राइड में जो आप देखे हो ये आपके, इसमें दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं इसका होमोपॉलीसेक्राइड, क्या होता है, एक होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड, और दूसरा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब हम लोग को देखना है कि ये होमोपॉलीसेक्राइड क्या है। होमोपॉलीसेक्राइड पे क्या रहते हैं कि इसके जो रेसिड्यू रहते हैं सिमिलर यूनिट रहेगा, जो मोनोसेक्राइड के जो यूनिट रहेगा वो सिमिलर रहेगा। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ग्लूकोज रहेगा, अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज फ्रक्टोज रहेगा, इसमें अलग नहीं रहेगा। एक सिमिलर रेसिड्यू ऑफ मोनोसेक्राइड टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड में कौन आएंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, जाइलेन, ये सब ज़्यादा रेसिड्यू किसके होते हैं, ग्लूकोज के रेसिड्यू होते हैं, तो ये इसमें होमोपॉलीस। हेट्रो में क्या हो रहता है कि डिफरेंट मोनोसेक्राइड कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें कौन आते हैं, काइटिन, अगर, अर्बेनो, गैलेक्टोन, सो दीज आर द हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो दो तरह का आप समझ गए। अब उसमें हम लोग देखते हैं, अब कैटेगरी आपका है ये, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, एक होता है, पहला है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, कौन सा है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, सैकेराइड्स। दूसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, और तीसरा है ये है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, शैके राइट्स, ठीक है। अब ये जो आप 3 कैटेगरी है तो अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग है देखेंगे, पहला क्या है, स्ट्रक्चरल, ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, अब इसमें कौन कौन सा आते हैं आप पता है आपको, पहला स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में कौन कौन से आ रहा है, पहला आपको पता है कौन कौन से है आपको, हाँ, स्टोरेज में जो है सबसे पहले है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में, तो पहला जो आते हैं इसमें सबसे पहले स्टार्च है, ठीक है, तो यानी कि स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में फूड स्टोरेज है, कैसा है ये, फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, फूड स्टोरेज, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, एक तो आपका नाम सुना होगा, एक तो है स्टार्च, स्टार्च, और दूसरा है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। स्टार्च जो होता है प्लांट में होते हैं पता है, और ये किस में होते हैं, एनिमल्स में, ये किस में होते हैं, एनिमल्स में। अब इस पे एक एक करके हम लोग देखते हैं, पहला है, ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्च, स्टार्च। अब ये स्टार्च देख लीजिए क्या है, स्टार्च, ठीक है, इट इज, ये है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ, ये क्या है, पॉलीमर ऑफ, इट इज ए पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, जो ये अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आपके, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, अल्फा ग्लूकोज यूनिट रहेंगे,
ठीक है, अल्फा और ग्लूकोज, यानी कि इसमें जो ग्लूकोज रहेगा ये डेक्स्ट्रो डी, अल्फा डी बोलेंगे, अल्फा डी। इसमें दो तरह के होते हैं, इसमें टू टाइप्स, ठीक है, इसमें कितने होते हैं, ये टू टाइप्स, टू टाइप्स। पहला है, ठीक है, ये टू टाइप्स है, टू टाइप्स। पहला है एमाइलोज, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टीन, एमाइलोपैक्टीन, ये दो पढ़ना है आपको। तो पहला आप लोग देख लेते हैं क्या है, एमाइलोज, एमाइलोज। अब देखिए ये, अब ये एमाइलोज, एमाइलोज में जो आपके आते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें रहते हैं कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ, चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ऑफ 100 to 1000। कितना है, 100 से 100 यूनिट्स रहेंगे, करीब की 100 से 1000 या 200 से करीब करीब, मिनिमम 200 से रखिएगा, 200 to 1000 यूनिट। दूसरा है फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्या करेगा, फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा एमाइलोज। ठीक है, इसमें अल्फा 1-4 लिंकेज बनेगा, कैसा रहेगा, अल्फा 1-4 लिंकेज, लिंकेज। और ये जो टर्न करेगा, टर्न करेगा 6 ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, जैसे आपका ये जो आपका यहां पे आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए ये जो ऐसे है, ये ऐसे, ये इस टाइप के जो ऐसे कनेक्ट है, देखिए ये इस तरह से कनेक्टेड है ना, तो ऐसे ऐसे यूनिट कितना, 1000 तक ये कनेक्टेड रहेगा, कब तक रहेगा, रहेगा ना 1000 तक, इस तरह के। तो ये जो 1 2 3 6 4 5 6, ये 6 के बाद क्या होता है, ये टर्न लेगा, क्या लेगा, टर्न लेगा। और ये टर्न लेकर क्या बोल रहा था, कि ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, तो यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा था, यही से टर्न लेता है, यानी टर्न, ठीक है, 6 ग्लूकोज। अब समझ में आया, टर्न ले रहा है, ब्रांचिंग नहीं हो रहा है। तो और ये इसका जो बॉन्ड बन रहा है, ये अल्फा दोनों की दो ग्लूको, यानी कि ग्लूकोज स्टार्च में ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में बन रहा होगा। तो ये जो है क्या है, यहाँ पर जो लिंक बन रहा है, अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कैसा है, 1, ये भी समझ गए। तो आपका एमाइलोज समझ गए, दूसरा है हम लोग एमाइलोपैक्टीन, एमाइलोपैक्टीन, एमाइलोपैक्टीन। अब ये देख ली हम लोग एमाइलोपैक्टीन देखते हैं, एमाइलोपैक्टीन। अब यहां पे एमाइलोपैक्टीन में जो है आपका, इसमें जो कितना ही रहता है, कंसिस्ट ऑफ 2000 से 20,000, कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितना रहता है, देखिए कंसिस्ट ऑफ, इसमें रहता है कितना, कंसिस्ट ऑफ 2000, देखिए ज़्यादा रहता है, 20,000 ग्लूकोज यूनिट। से भी ज़्यादा, 200,000, 20,000, समझे, 2 लाख तक, ठीक है, यूनिट ग्लूकोज यूनिट्स रहते हैं, एसिड यूनिट, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या करते हैं कि इसमें ब्रांच चेंज भी बनता है, क्या बनता है, ठीक है, बोथ फॉर्मिंग, देखिए इसमें बोथ फॉर्मिंग, फॉर्मिंग स्ट्रेट एज वेल एज स्ट्रेस्ट एज वेल
एज ब्रांच चेन, ब्रांच चेन, ठीक है। ये इस तरह के आपके ये बनते हैं। अब ये आप देख रहे हो इस तरह से, यहां पे आपका ये इस तरह से, ये देखिए ये स्ट्रेट चेन बनते जा रहा है, ग्लूकोज का बन रहा है, और यहां से आपका ये ब्रांच जो जा रहा है, यहां से मान लीजिए यहां से फिर ये ब्रांच जा रहा है, ठीक है। ये तो अब ये आप देख रहे हैं यहां पे जो लिंकेज कैसा है, ये अल्फा 1-4 लिंकेज है, कैसा है अल्फा 1-4, और ये जो ब्रांचिंग में जो लिंकेज कैसा जा रहा है, कैसा है अल्फा 1-6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, समझ रहे ना। और यहां पे जो ब्रांचिंग में जो हो रहा है, ब्रांचिंग जो जो हो रहा है, ये ब्रांचिंग जो हो रहा है याद रखिए, कितना ब्रांचिंग जो हो रहा है, कहां से जैसे ब्रांचिंग जो हो रहा है, एक चेन ब्रांचिंग 25 ग्लूकोज रेसिड्यू यूनिट, अब समझ गए, ये 25 ग्लूकोज 25 के बाद से क्या कर रहा है दादा, ब्रांचिंग में जा रहा है। तो ये आपको याद रखिएगा कि 2000 से 2 लाख के बीच में रहते हैं ये स्ट्रेट, और दोनों चेन बना रहे हैं, ठीक है। ये होगा नेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है। ये स्टार्च मॉलिक्यूल करता है, एक्यूमुलेट करता है, एक स्टार्च जो होते हैं, स्टार्च जो होते हैं एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट करता है स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्ड हाइलम, क्या बोलते हैं हाइलम, अब उसको हाइलम, एक स्ट्रक्चर होते हैं हाइलम होते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम, स्टार्च में एक्युमुलेशन हो जाता है, और ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर होते हैं, कैसा होते हैं ये प्रोटीनस हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रोटीनस होते हैं, कैसा होते हैं इसको प्रोटीनस होते हैं, अब इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन हो गया, पेक्टिन ये, ठीक है। तो इसमें होते हैं एक तरह का प्रोटीन वन साइड होते हैं और एक सेंट्रिक होते हैं, तो ये इस तरह से आपकी इसमें अलग अलग होते हैं, तो इसमें स्टार्च में कहीं कहीं एक्युमुलेशन होते हैं, ठीक है। सिंगल हाइलम होते हैं, किसी में ज़्यादा, ठीक है, मोर हाइलम होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल हाइलम को बोलते हैं सिंपल, ठीक है, सिंपल, और दो तरह के होते हैं एंड कंपाउंड, कंपाउंड। तो इसमें कैसा रहेगा सिंगल हाइलम, क्या रहेगा सिंगल हाइलम, और इसमें मेनी हाइलम, ठीक है, मेनी हाइलम। तो अब ये आप जान गए, दूसरा हम लोग, अब ये दो हम लोग जान गए, अब तीसरा हम लोग जानते हैं, अब ये स्टार्च हो गया, दूसरा हम लोग ये है, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नाम है ग्लाइकोजन, नाम क्या है ग्लाइकोजन, को जन ग्लाइकोजन। अब क्या है ग्लाइकोजन के बारे में, क्या है आप जानेंगे, ये क्या रहता है, स्टोर्ड इन किसमें रहेगा, स्टोर्ड इन एनिमल सेल्स, स्टोर्ड सबसे कॉमन है, स्टोर्ड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में स्टोर्ड है, एनिमल सेल्स में स्टोर्ड। तो हम लोग में जो जो पॉलीसेक्राइड स्टोर्ड रहता है वो क्या रहता है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक है। इसमें कंसिस्ट ऑफ 30,000, कंसिस्ट ऑफ 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स, 30,000 ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। इसमें बोथ स्ट्रेट एंड ब्रांच, तो ब्रांच तो स्ट्रेट में अल्फा 1-4 आप समझ रहे हैं, और ब्रांच में अल्फा 1-6
लिंकेज रहेगा ये आप, इसमें जो ब्रांचिंग रहेगा ब्रांचिंग होगा कब कितने नंबर पर होगा ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ब्रांचिंग कितने पर हो रहा है, 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट। देखिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ना कि ब्रांचिंग कितना पे हो रहा है, तो ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है आपका एक आता है इनुलिन, इनुलिन तीसरा है इनुलिन, लीन इनुलिन ये भी एक तरह का इनुलिन। ये अनयूजुअल पॉलीसेक्राइड है और ये क्या होता है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, किसका है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, अभी तो ग्लूकोज का देख रहे थे ना, एक ये फ्रक्टोज वाला भी आ गया पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। प्रेजेंट इन रूट एंड ट्यूबर ऑफ डहलिया, डहलिया प्लांट होते हैं उसमें ये रहते हैं इनुलिन। नेक्स्ट आ जाते हैं सेलुलोज, फोर्थ वन है, अब हम लोग जानते हैं फोर्थ वन सबसे मेन है सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज। अब देखिए ये सेलुलोज, सेलुलोज क्या करता है, देखिए सेलुलोज क्या है, अभी तक तू देख रहे थे कि ये ग्लाइकोजन एनुलिन स्टोरेज था, अब दूसरा जो आ गया आपका ये स्टार्ट, ये दूसरा जो आपको अगर दूसरा यहाँ पे अगर आप ये सेक्टर यहाँ पे ए डालेंगे इधर ए ये बी है, तो दूसरा है स्ट्रक्चरल, ठीक है क्या है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड सैकराइड। अब इसमें है सेलुलोज, अब सेलुलोज में देख लेते क्या क्या है सेलुलोज में, पहला है एक तरह स्ट्रक्चरल पॉइंट, स्ट्रक्चरल अनब्रांच पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चरल अनब्रांच ये कैसा है अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, पहला पॉइंट तो ये हो गया स्ट्रक्चरल अनब्रांच। दूसरा पॉइंट है इसमें 6000 बीटा ग्लूकोज रेसिड्यू, इसमें कितना रहेगा 6000 कंसिस्ट ऑफ 6000 बीटा ग्लूकोज रेसिड्यू, 6000 ज्यादा है। कॉटन फाइबर में सबसे ज्यादा रहता है, कॉटन फाइबर कंटेन्स लार्जर, कॉटन फाइबर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेलुलोज सबसे ज्यादा रहते हैं, लार्जेस्ट ना ना कॉटन फाइबर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होते हैं कॉटन। ये डाइजेस्टेड बाय बाय टर्माइट्स एंड शिप विथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ में ये मिलके डाइजेस्ट करता है, नहीं तो हम लोग में ये डाइजेशन नहीं होता है, हम लोग ये डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो सेलुलोज का डाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सेल वॉल का कंस्टिट्यूट करता है, सेलुलोज क्या करता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, कंस्टिट्यूएंट तो कंस्टिट्यूएंट जो है कंस्टिट्यूएंट जो होता है सेल वॉल का जो होता है इसे बनते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल में आप एक तो हो गया ये आपका सेलुलोज हो गया, ठीक है, जैसे मान ली ए में पहला है, सेकेंड जो आते हैं इसमें काइटीन, काइटीन सबसे ज़्यादा काइटीन है, तो काइटीन में लिखेगा ठीक है ठीक है।
इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ कैटिन होते हैं एंड एसिटाइल ग्लूकोसोमीन. इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसोमीन. तो ये ज़्यादा काइटिनस जो होते हैं ये जाके आता है कि ये पाया जाता कहाँ पे? एक्जोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा का जो होते हैं. उसके बाद जो होते हैं ये फंगस का जो सेल वॉल होता है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल क्या होता है? काइटिन का बना होता है. काइटिन का ये आप यहाँ रखेगा, काइटिन का इंसेक्ट में. तो दूसरा नाम है पैक्टीन एंड नाम एक दूसरा है, तीसरा नाम है पैक्टीन एंड हेमिसेलुलोज. पैक्टीन एंड हेमिसेलुलोज पैक्टीन जो होते हैं ये आपका मिडिल लैमला जो होते हैं, मिडिल लैमला फॉर्म करता है. मिडिल लैमला जो होते हैं कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है और सेल डिवीजन में सेल्स को कनेक्ट करके रखता है. तो वो जो होते हैं पैक्टीन होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे होते हैं. तो दूसरा है हेमिसेलुलोज होते हैं, ये भी स्ट्रक्चर पैलोसेल होते हैं. हेमिसेलुलोज ये डिग्रेडेशन से ये बनते हैं. तो ये आपका हेमिसेलुलोज. इसमें जाइलोज होता है, डी जाइलोज होते हैं. हेमिसेलुलोज क्या होते हैं? डी जाइलोज और अल्फा ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक होते हैं. इसमें आते हैं जाइलिन, गैलेक्टिन, ये सब आते हैं. और एक लास्ट नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइड. इसमें कौन से हैं? पहला म्यूकोपॉलीसैकेराइड में कौन आते हैं? स्टिकी सब्सटेंस. ये कैसा आता है? स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्लांट. पहला ही स्टिकी सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस बाय प्लांट. दूसरा ये सीवीड जो होते हैं, मेनी सीवीड्स क्या करता है? ये आपका म्यूसिलेज क्या करता है? म्यूसिलेज म्यूकोपलिसिड क्या होता है? म्यूसिलेज होता है. म्यूसिलेज क्या है? म्यूसिलेज ये चिपचिपा पड़ा होता है. म्यूसिलेज ठीक है. ये प्रेजेंट इन शेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के सेल वॉल पे रहता है बैक्टीरिया. ठीक है. आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन में आई. आल्सो प्रेजेंट इन इन आई. आई का जो होते हैं ये ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो होते हैं, एक्वस ह्यूमर. ठीक है. ये एक्वस ह्यूमर जो होते हैं जहाँ पे रहते हैं आपका, ठीक है, एक्वस या विट्रस ह्यूमर जो होते हैं, विट्रस ह्यूमर. ये आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हो गए. तो ये पूरा पॉलीसैकेराइड का पूरा ख़त्म हो गया. चलिए.